नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले के हाइलाइट्स में। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए। भारत ने यह मुकाबला पूरे 49 रनों से जीत लिया है और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है। दोस्तों रविंद्र जडेजा 46 रन और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने आज का मुकाबला जीत लिया और दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 49 रन से इंग्लैंड को हरा दिया। दोस्तों बर्मिंघम में यह मैच खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 170 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में 121 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब मात्र एक मैच बचा है जो कि एक औपचारिकता रह गया है, जो कि नॉटिंघम में रविवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार चौथी T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत ली है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भारत के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि बेहद ही बुरा साबित हुआ। वैसे दोस्तों भारतीय टीम में आज प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए गए थे। विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को शामिल किया गया था। भारतीय टीम में से ईशान किशन, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को इन स्टार्स प्लेयर्स की वापसी के बाद बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दोस्तों रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने साउथहैम्पटन में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड को 50 रन से मात दी थी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। जोस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति का था, लेकिन वह मैच जीतने में कामयाब नहीं रहे। दोस्तों बात करें भारतीय पारी की, तो सबसे पहले भारत खेलने आई और भारत ने 49 रन जोड़े। पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा 31 रन के निजी स्कोर पर। इसके बाद 61 रन पर दूसरा विकेट गिरा विराट कोहली के रूप में, विराट कोहली ने महज 1 रन बनाया। दोस्तों तीसरा विकेट गिरा ऋषभ पंत के रूप में, वो भी 61 रन के ही स्कोर पर। ऋषभ पंत ने 15 गेंदों पर 26 रन बनाए, उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद में दोस्तों चौथा विकेट गिरा सूर्य कुमार यादव के रूप में, वो 89 रन के स्कोर पर। सूर्य कुमार यादव ने 15 रन बनाए 11 गेंदों पर। इसके बाद में दोस्तों छठा विकेट गिरा हार्दिक पांड्या के रूप में, वो भी 89 के स्कोर पर ही गिर गया। हार्दिक पांड्या ने 12 रन बनाए 15 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों अगला विकेट गिरा 122 रन के निजी स्कोर पर दिनेश कार्तिक के रूप में, दिनेश कार्तिक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से रन आउट हो गए। इसके बाद में दोस्तों हर्षल पटेल 17वें ओवर में 145 के स्कोर पर गिर गए और लास्ट में भुवनेश्वर कुमार 159 के स्कोर पर गिरे। दोस्तों रविंद्र जडेजा नाबाद लौटे, उन्होंने 46 रन बनाए 29 गेंदों पर, उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके जड़े। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक 4 विकेट लिए क्रिस जॉर्डन ने। इसके अलावा रिचर्ड ग्लिनसन ने 3 विकेट लिए। रिचर्ड ग्लिनसन ने आज अपना पदार्पण मैच खेला था। अब दोस्तों बात करें इंग्लैंड की पारी की, तो दोस्तों इंग्लैंड की पारी का पहला विकेट मैच की पहली ही गेंद पर गिर गया। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने फिर से भारत को सफलता दिला दी। इस तरीके से 11 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए। इंग्लैंड के विकेट लगातार नियमित अंतराल में गिरते रहे। इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक रन मोइन अली ने बनाए, मोइन अली ने 35 रन बनाए। इसके अलावा डेविड विली नॉट आउट रहे 33 रन बनाकर। दोस्तों भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए। इसके बाद में जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल को 2-2 विकेट मिले। हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल ने 1-1 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा को कोई विकेट नहीं मिला। इस तरीके से दोस्तों भारत ने दूसरा मुकाबला 59 रन से जीत लिया। भारत की जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। धन्यवाद।